ड्रामा सीरियल कफारा में सलार अपने नए प्रोजेक्ट पर पूरा फोकस करता तो सलार के बाबा सितारा से बात करते, वो तुम्हारे लिए मारा मारा फिरता रहेगा। सितारा कहती, क्या आपसे अपने बेटे की खुशी नहीं देखी जा रही? तो इसे समझाते, मैं बाप बनकर सोच रहा हूँ, इसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। सितारा बोल पड़ती, क्या आप नहीं चाहते आपका बेटा प्रोफेशनल इंसान बन जाए, इसलिए इसे मेहनत करने दें। यूं बाद में फुरकान सलार से नए प्रोजेक्ट के हवाले से बात करने आता। ये दरअसल साहबा के कहने पर सितारा से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आता। सितारा, क्या तुम सलार से नाराज हो? तो सितारा कहती, झगड़ा उनसे किया जाता है जो बराबरी के हों, और माँ बाप से बदतमीजी बस की जा सकती है। सलार के बाबा भी सितारा की बातें पीछे से सुन रहे होते और बहुत इम्प्रेस होते। साहिबा को सारी इन्फॉर्मेशन फुरकान के जरिए मिल जाएगी और सितारा को सलार के खिलाफ करने की कोशिश करेगी ताकि सितारा खुद ब खुद सलार को छोड़ दे। यहाँ निम्मी अपनी माँ के साथ कासिम के घर आ जाते और रिश्ते की बात फाइनल करते। निम्मी की माँ तो ये भी कह देती, निम्मी के पेपर वगैरह इकट्ठे कर लें, फिर ये अपने शोहर के साथ दुबई शिफ्ट हो जाएगी। तो कासिम की माँ हाला भी से कहती, निम्मी को बीवी तो ना कहिए, अभी निकाह तो हुआ नहीं। कासिम निम्मी को पाकिस्तान में रहते हुए दुबई वाला नजारा दिखाएगा, निम्मी के साथ यही होना चाहिए था। अब तो किरण की भी बारी आई हुई है। ताई किरण के मुंह से ये बात सुनती कि ये सोने की घड़ी लेना चाहती है तो फौरन जुहेब के सामने बात कर देती, देखो तुम्हारी बहन तुमसे कितना प्यार करती है। जुहेब कहता, प्यार करना भी बनता है, इसके लिए तो सलमान जैसों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जुहेब को किरण के कारनामों का जब पता चलेगा तो फिर सितारा को याद करेगा। बहन हो तो सितारा जैसी, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।